ये देखिए आप, ये देखिए हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, ये हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। तो आज हम देखेंगे कि जब मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ में या फिर बेस के साथ में अगर हम करें तो हमें क्या मिलेगा। तो मेटल का रिएक्शन अगर आप एसिड के साथ करें या फिर बेस के साथ करें तो बेटा आपका एक प्रोडक्ट तो कंफर्म है कि आपका बनेगा सॉल्ट, और सर दूसरा प्रोडक्ट क्या कंफर्म नहीं है? भैया वो भी कंफर्म है। वो दूसरा प्रोडक्ट कौन सा है? दूसरा प्रोडक्ट है अपना हाइड्रोजन। कौन सा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है हाइड्रोजन का, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो मेटल का अगर हम रिएक्शन एसिड से कराएं या बेस से कराएं तो उसमें से सॉल्ट बनता है या फिर बनता है हाइड्रोजन। ये हमने हमारी एनसीईआरटी की बुक के चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमको लिखा हुआ दिया है। तो ये इसके अंदर हमने एसिड ले लिया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमने इस बोतल के अंदर ले लिया है। एक्चुअली में आज हम जो रिएक्शन करने वाले हैं वो हम ये आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं सभी बच्चे लोग और हम, कि यहाँ पर एसिड में जब हम मेटल डालेंगे, सर ये कौन सा मेटल है? ये बेटा एल्यूमिनियम फॉइल है, जिसे सिल्वर फॉइल के नाम से भी मार्केट में ये मिलती है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि खाना वगैरह जब गर्म होता है तो उसे गर्म रखने के लिए लंबे समय तक उसमें से हीट लॉस ना हो, उसके लिए हम इस एल्यूमिनियम फॉइल का यूज़ करते हैं। ये मार्केट में सिल्वर फॉइल के नाम से भी मिलती है। सिल्वर फॉइल क्यों कहते हैं अगर ये एल्यूमिनियम फॉइल है? तो क्योंकि सिल्वर का कलर सुनहरा, ये चमकना होता है, और एल्यूमिनियम का भी कलर यही है, इसीलिए एल्यूमिनियम फॉइल होते हुए भी इसको मार्केट में सिल्वर फॉइल के नाम से परचेस आप कर सकते हैं। ये एल्यूमिनियम की ये फॉइल है, पतली सी एक परत है। एल्यूमिनियम क्या होता है? एल्यूमिनियम एक मेटल है, ठीक है? तो ये एक मेटल है, तो हमने इसकी ये मेटल की, जरा फैन बंद कर देना बेटा पीछे से, तो ये हमने मेटल की एक फॉइल ले ली है, ये एल्यूमिनियम फॉइल हमने ले ली है। अब एल्यूमिनियम की फॉइल को ध्यान देना सभी लोग, हम क्या करेंगे, हमारे पास में एक पाइप भी है। अभी आप अगर इस एसिड का टेम्परेचर चेक करके देखेंगे तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी टेम्परेचर नहीं है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि इसका टेम्परेचर नियर अबाउट 25-24 डिग्री सेल्सियस होगा या फिर रूम टेम्परेचर होगा। अभी इसका टेम्परेचर कोई भी ज़्यादा नहीं है। चाहो तो बेटा आप छू करके देख सकते हो, उठ के आओ, जल्दी से आओ, जरा इसको छू करके देखो, इसका टेम्परेचर आपको ज़्यादा लग रहा है क्या, गर्म लग रहा है क्या? नॉर्मल है ना। तो अभी इसका टेम्परेचर आपने मीजर करके देख लिया, मतलब एनालिसिस कर लिया कि हाँ सर इसका नॉर्मल टेम्परेचर है। तो अभी अपन रिएक्शन कराएंगे तो आपको फिर से बुलाएंगे, फिर इसका टेम्परेचर भी चेक करके देखना, तब आपको पता चलेगा कि इसके अंदर से जब हीट या गैस जब इसमें से इवॉल्व होती है तो उसकी वजह से इसका टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। वो बात की बात है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये क्या है सर? ये हमारे पास में सोप सॉल्यूशन है। सोप सॉल्यूशन, सर सोप सॉल्यूशन क्यों बना के रखा हुआ है आपने? सोप सॉल्यूशन इसलिए बना के रखा हुआ है कि जब हम एसिड में मेटल को डालेंगे तो मेटल को डालने पर ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, और इसमें जो सॉल्यूशन फॉर्म में जो हमें मिलेगा वो हमारा होगा सॉल्ट, ठीक है? और इसमें से जो गैस रिलीज होगी वो गैस क्या होगी? वो गैस होगी हाइड्रोजन गैस, और वो हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन ही है। इस चीज़ का कंफर्मेशन हम उसके जलाने से करेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन गैस हाईली फ्लेमेबल गैस होती है। अगर हम उसको जलाएंगे और अगर वो प्रॉपर तरीके से जलती है, बर्स्ट होती है, तो ये कंफर्मेशन हो जाएगी कि भैया इसके अंदर से जो गैस निकल रही है वो हाइड्रोजन गैस है। ये एसिड है, एसिड के अंदर हम ये एल्यूमिनियम फॉइल डाल रहे हैं, यानी ये मेटल, मेटल को अगर एसिड से रिएक्ट करेंगे तो उसमें से हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो हम जरा देखेंगे, अभी हमने इसके अंदर इसको डाल दिया है, और अब आप जरा ध्यान से देखें, इसके अंदर अभी आपको
रिएक्ट करता हुआ दिखेगा। अब तो दिख ना रहा भाई, हो जा यार, हो रहा है, हो रहा है, बबल्स बन रहे हैं, रिएक्शन हो रही है। ये देखिए आप, ये देखिए हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, ये हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस निकल चुकी है। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि जब हम मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो इसके अंदर से क्या होता है, इसके अंदर से ये जो गैस है हाइड्रोजन गैस निकलती है, और इसके अंदर जो ये ब्लैक कलर का जो ये सॉल्यूशन बन के रह गया है, ये ब्लैक कलर का सॉल्यूशन, ये सॉल्ट सॉल्यूशन बना है, और इसमें से जो ये गैस रिलीज़ हुई, ये गैस रिलीज़ हुई है, ये हमारी हाइड्रोजन गैस है। और आप लोगों को ये कंफर्म कराने के लिए कि ये एक्चुअल में ये हाइड्रोजन गैस है, उसके लिए मैंने इस पाइप को, क्योंकि इसमें पाइप मैंने लगाया तो इसमें से हमने ये ऊपर क्या कर दिया है, इसको सील कर दिया है, ये हमने आटे के डो से हमने इसको सील कर दिया है, जुगाड़ टेक्नोलॉजी, और कोई ऑप्शन नहीं था तो जो आटे का डो लगा दिया। इसके बाद में जब इसमें से गैस रिलीज़ हुई तो वो हमारे सोप सॉल्यूशन के अंदर गई, और सोप सॉल्यूशन के अंदर जब जाएगी तो जैसे बेटा आप लोगों ने अपने अपने एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस किया होगा, जब आप पानी के नीचे जब डूब जाते हैं तो नीचे से जा करके ऐसे करके जब आप हवा छोड़ते हैं तो हवा छोड़ने पर क्या होता है, बुलबुला बनता हुआ ऊपर आता है और उस बुलबुले में आपकी मुँह से छुड़ी हुई हवा होती है। उसी प्रकार से यहाँ से जो गैस रिलीज़ हुई है वो गैस हाइड्रोजन गैस थी, और इस प्रकार से जब यहाँ जब सोप सॉल्यूशन में से जब मैंने इसको ऊपर की तरफ जब इसमें बबल्स बनकर आए तो उन बबल्स में हाइड्रोजन गैस थी। हाइड्रोजन गैस ही है, इस चीज़ का कंफर्मेशन आप लोगों ने देखा, कैसे देखा, जब मैंने उसे जला करके दिखाया और जलाते ही उसने क्या किया, जलाते ही वो बिल्कुल जैसे पॉपकॉर्न ब्लास्ट होता है, पॉप पॉप का जैसा साउंड होता है, उसी प्रकार से यहाँ पर वो हाइड्रोजन गैस यहाँ पर फ्लेम बन करके निकली, यानी कि जली वो यहाँ पर, तो जिससे कंफर्म होता है कि ये क्या है, एक हाइड्रोजन गैस है। आप लोगों को ये मेटल एसिड में या फिर बेस में किसी में भी अगर आप मिलाते हैं तो यही आपको प्रोडक्ट मिलेगा, एक तो आपको मिलेगा सॉल्ट और एक आपको मिलेगा हाइड्रोजन गैस। दूसरा चीज़ ये है, अभी आपने इसमें एसिड का रिएक्शन करके देखा तो आपने बोला सर इसमें एसिड कौन सा था, तो मैंने कह दिया भैया हाइड्रोक्लोरिक एसिड था। मेटल कौन सा था, तो एल्यूमिनियम हमारा मेटल था, ये एल्यूमिनियम फॉयल है जिसे सिल्वर फॉयल के नाम से भी जानते हैं, तो हमने रिएक्शन कराया। अगर सर यही रिएक्शन हम अगर बेस के साथ करते तो क्या बेस के साथ में हो सकता था क्या, तो बेटा कोई भी एक बेस सॉल्यूशन ले लें, बेस सॉल्यूशन में इसी मेटल को आप डालें, मेटल को डालने के बाद में अगर वो रिएक्ट कर रहा है तो ठीक है, अगर वो रिएक्ट नहीं कर रहा है तो कुछ रिएक्शन रिएक्ट नहीं करती हैं, उनको रिएक्ट कराना पड़ता है, तो उसके लिए हमें एक्सटर्नल हीट सप्लाई करनी पड़ती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाती हैं, यानी कि हमें सॉल्यूशन फिर गर्म करना रहता, फिर जा करके वो रिएक्शन होती, रिएक्शन होने पर यही गैस निकलती, और यही गैस अगर हम चेक करते तो इसी प्रकार से उसके अंदर से हाइड्रोजन की प्रेजेंस हम कन्फर्म कर पाते। क्या आप सभी लोगों को पूरे तरीके से मेटल का एसिड के साथ में रिएक्शन होने पर इस प्रकार से हाइड्रोजन गैस निकलती है ये कंफर्म हुआ या नहीं हुआ? सबके समझ में आया, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, पक्का? चलिए तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, अगले एक्सपेरिमेंट में हम फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सर।